शुक्राना गुरु जी का, सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें आज, जो ज्वाइन करेंगे उनको और जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनको भी। तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा लेके आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं कि गुरु जी अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी वाणी में बैठकर आज आपका अपना सत्संग करवाइए। जो संगत के इफ्स एंड बट्स हैं वो क्लियर कीजिए, किसी को मैसेज दीजिए, किसी को मेडिसिन दीजिए और सभी को ब्लेस कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। गुरु जी अनंतम शुक्राना जो आज आपने मुझे सेवा दी, अनंतम शुक्राना मोनिका आंटी का जो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे ये सेवा दी मुझे, और गुरु जी से ये अरदास करते हुए कि गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको हेल्थ बख्शें, खुशियाँ बख्शें, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। तो बैक टू बैक ये गुरु जी जो ये सेवा बख्श रहे हैं तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं किसी लायक नहीं हूँ लेकिन गुरु जी मुझे लायक बना देते हैं, तो सेवा देने के लिए शुक्राना गुरु जी, इस लायक समझने के लिए शुक्राना और अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना। गुरु जी की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, जितना करेंगे उतना कम है। ये सत्संग कभी ख़त्म ही नहीं होगा फिर, अगर जब गुरु जी का बखान करने के लिए आएंगे। इतनी प्यारी प्यारी संगत है, बहुत संगत अपने अपने सत्संग सुनाती हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कई इतने टचिंग होते हैं कि आंख से आंसू आते हैं। कई सत्संग सुन के जय गुरु जी प्रज्वल, जय गुरु जी। कई सत्संग ऐसे होते हैं कि इतनी खुशी मिलती है, गुरु जी कुछ ना कुछ उसमें मैसेज देते हैं। तो सत्संग एक छोटी चीज नहीं है। गुरु जी कहते थे कि सत्संग जो है मैं उसमें ब्लेसिंग्स की डोजेस देता हूँ, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला। अब अपनी ब्लेसिंग्स आपने कैसे लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सत्संग का मतलब होता है, जैसे कि मैं हर सत्संग में इसी बात से शुरू करती हूँ कि सच का साथ। और सच कौन है? सदगुरु। सतगुरु मतलब सच्चे गुरु, सच्चे ईश्वर, सच्चे प्रभु। तो जब सच्चे गुरु का साथ हो जाता है तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। गुरु जी कहते थे कि मैंने गुरु का रूप लेके मैं इस धरती पे आया हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और हमारा कल्याण कैसे होता है? जब हमारे पापों का नाश होता है और बुरे कर्मों का जो हमें भुगतान करना पड़ता है वो गुरुजी उसको ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 10% संगत को भुगतनी पड़ती है, लेकिन वो 10% भी हम नहीं भुगत पाते, उसको भी सहन करने की, भुगतने की गुरुजी ही शक्ति देते हैं क्योंकि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। अपने बच्चों को, जैसे एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा कितना प्यारा होता है, वैसे ही गुरु जी के लिए उनके सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। कल मैं साक्षी आंटी का सत्संग सुन रही थी, जय गुरु जी शिखा आंटी और जय गुरु जी स्नेहा आंटी। तो साक्षी आंटी का जब सत्संग चल रहा था तो किसी संगत ने पूछा कि क्या वंदना आंटी पुरानी संगत है। मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ सारी संगत को कि थैंक यू मोनिका आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू नहीं है, ये सिर्फ शुक्राना है गुरुजी का जो बैक टू बैक गुरुजी ने सेवा बख्शी है। तो गुरुजी के लिए कोई संगत नहीं नहीं है और पुरानी नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमें गुरुजी ने कब से अपनी शरण में लिया है या कब से हमको अपने साथ जोड़ा है, हम कभी नहीं बता सकते। संगत कहती है मैं इस ईयर से जुड़ी हूँ, मैं उस ईयर से जुड़ी हूँ, नहीं ये गलत है, हमें कभी पता ही नहीं होता। तो ये जजमेंट करना कि संगत नई है या संगत पुरानी है बहुत गलत बात है। इस कभी गुरुजी ने ये नहीं, आज आप संगत जी मुझे ये बात बताइए, अगर कोई संगत नई है या पुरानी है जैसे उन्होंने बोला, तो क्या बड़े मंदिर में कभी आपने डिफरेंस देखा है कि नई संगत है तो उसको लंगर प्रसाद नहीं मिलेगा या पुरानी संगत है तभी उसको जल प्रसाद लंगर प्रसाद मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। तो जब गुरुजी जज नहीं करते तो हम कौन हैं
कोई जजमेंट करने वाले कि ये संगत नई है या पुरानी है। शायद आज ये बात मैसेज देनी थी गुरुजी ने, इसलिए कल साक्षी आंटी के सत्संग में किसी संगत ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या वन्ना आंटी पुरानी संगत है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई संगत नई है या कोई संगत पुरानी है। तो हाथ जोड़ के विनती है सारी संगत से कि प्लीज कभी भी ऐसा क्वेश्चन किसी से मत किया करिए। गुरुजी कहते हैं कि आप अपना मन सुंदर बनाओ, घर तो मैं अपने आप सुंदर बना दूंगा। लेकिन अगर आपके मन में ऐसे भाव होंगे कि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नई संगत कौन सी है और पुरानी संगत कौन सी है, तो आपका मन अच्छा कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो लाइन है कि नई संगत है या पुरानी संगत है, अपने आप ही मन में एक डिफरेंस ले आती है। गुरुजी ने कभी भी किसी के साथ कुछ भी डिफरेंस नहीं रखा, कोई जात नहीं देखी, कोई पात नहीं देखी, कोई रिलीजन नहीं देखा, कुछ कोई अमीर गरीब कुछ नहीं देखा। गुरुजी के बड़े मंदिर में सभी लोग आते हैं, अमीर क्या, गरीब क्या, बड़े बड़े मिनिस्टर क्या, बड़े बड़े डॉक्टर क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, हिंदू क्या। तो जब कभी गुरुजी ने ये डिफरेंस नहीं किया, तो हम कौन होते हैं ये डिफरेंस करने वाले कि संगत नई है या पुरानी है? तो कृपया करके कभी भी ये क्वेश्चन मत किया करिए। गुरुजी कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि जो मते सो गते। इसका मतलब होता है, जय गुरुजी गीता आंटी, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके मन में विचार होते हैं वैसे ही आपकी गति होती है। जाना तो एक दिन सभी ने है, मैंने भी जाना है। मेरे पहले और भी कितने लोग चले गए, मेरे बाद और भी कितने लोग जाएंगे। लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि जैसे आपके मन के भाव होंगे, आपको वैसे ही अगले जन्म मिलेगा और आपके ऊपर जो है वैसे ही भगवान स्वागत करेंगे। गुरुजी हमेशा मोह माया के बंधनों से निकलने को कहते हैं, लेकिन हम ऐसे ग्रस्त जीवन में फंसे हुए हैं कि मोह माया से निकल ही नहीं पाते। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी कहते हैं, जो मेरी सही असली संगत है वो मेरे से जुड़ने के बाद अपने आप ही इन मोह माया से दूर हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे बड़े मंदिर में भीड़ आती है, संगत तो बहुत कम आती है, तो वो भीड़ मत बनिए, संगत बनिए। ये जो स्वरूप है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा बहुत फेवरेट स्वरूप है। मेरे पास गुरुजी के सारे स्वरूप हैं, लेकिन जो बात इसमें है, जो प्यार मुझे इस स्वरूप से में जो गुरुजी विराजमान है उनसे मिलता है, वो मैं फील करती हूँ। क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा बड़े मंदिर गई थी, तब गुरुजी ने मुझे इसी स्वरूप में दर्शन दिए थे। वहाँ पे गद्दी के पीछे यही स्वरूप लगा हुआ था और बड़े मंदिर से यही स्वरूप मुझे पॉकेट स्वरूप मिला था, यही स्वरूप। तो जब जब मैंने, जब भी कभी दुखी हुई, उदास हुई, अगर गुरुजी के इस स्वरूप के आगे मैं रोई, तो गुरुजी ने मुझे रोने नहीं दिया। गुरुजी ने अपने आप सारी बातें बना दी, सारे दुख दूर कर दिए। गुरुजी कहते हैं कि ये कई स्वरूप, दो तीन स्वरूप ऐसे हैं जो गुरुजी जिनको ब्लेस करके गए हैं, जो गुरुजी के फेवरेट हैं, ये स्वरूप उनमें से एक है। और ये स्वरूप गुरुजी ने बोला था कि ये कल्याण करने वाला स्वरूप है, लेकिन जो संगत मोह माया में फंसी रहेगी वो इस स्वरूप को कभी नहीं मांगेगी। गुरुजी के स्वरूप से आप बातें करके देखिए, गुरुजी जवाब देते हैं। वो छोटी छोटी बात जो अगर आप नहीं भी कहेंगे, अगर हाँ जी रॉकस्टार, अगर आप गुरुजी के आगे बैठ भी जाएंगे ना, तो भी गुरुजी को पता है।
तो बड़ी चीज़ों की तो बात ही क्या है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी पूरी कर देते हैं, ऐसी मन की मुरादें पूरी कर देते हैं, लेकिन आपके भाव बहुत ज़रूरी हैं। गुरुजी कहते हैं वो मालिक हैं, महाशिव हैं। शिव पुराण में लिखा है कि सिर्फ शिव जी ही इस धरती पे गुरु का रूप लेके आ सकते हैं और कोई गुरु का रूप लेके नहीं आ सकता। तो क्योंकि शिव जी गुरु जी महाशिव हैं तो उन्होंने गुरु का रूप धारण किया। और शिव पुराण में लिखा है कि गुरु धरती पे तभी आएंगे जब पाप पड़ेगा और लोगों का कल्याण करना होगा, तब गुरु महाशिव गुरु का रूप धारण करके इस धरती पे आएंगे। जय गुरु जी। सुनील अंकल जय गुरु जी। शिव पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक पहली बार में समझ ही नहीं आएगी कि शिव पुराण क्या चीज है। आप डर जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं नहीं पढ़ूं, लेकिन अगर आप भाव अच्छे होंगे तब आप दोबारा पढ़ेंगे। और यकीन मानिए संगत जी, फोर्थ टाइम जाके शिव पुराण समझ में आ जाती है। और जिसको शिव पुराण समझ में आ गई तो उसने इस जीवन का गूढ़ रहस्य प्राप्त कर लिया। और शिव पुराण पढ़ने से शिवजी जी की ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाती है। शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं, गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण की। जय गुरुजी। साक्षी आंटी जय गुरुजी। तो शिव पुराण की जो ब्लेसिंग्स है, तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने गुरु की ब्लेसिंग्स अपने आप ही मिल गई। गुरुजी कहते हैं कि इस स्वरूप को देखो, इसमें कितनी पॉजिटिविटी है, कितने ऐसा। गुरुजी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। सच्ची बता रही हूँ संगत जी, अगर आप 2 मिनट इस स्वरूप के आगे बैठ जाएंगे ना, तो थोड़ी देर में आप अपने आप ही हंसने लगेंगे। इतनी पॉजिटिविटी मिलती है इस स्वरूप से। सारे स्वरूप गुरुजी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस स्वरूप में कुछ अलग ही जादू है। गुरुजी कहते थे कि कभी भी, हाँ जी, अच्छा, गुरुजी 3 चीज़ें बता के गए, सेवा, सिमरन और सत्संग। सेवा मीन्स डेडिकेशन, सेक्रीफाइस। सिमरन मीन हमेशा हर पल अपने भगवान को अपने पास रखना, उसको याद करते रहना। और सत्संग गुरु अपने गुरु की, अपने प्रभु की वडियाई करना कि कैसे वो अपने बच्चों का कल्याण करते हैं। सत्संग करने से ना सुनाने वाले का भला होता है, बल्कि जो सुन रहे होते हैं उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसीलिए गुरुजी बोल के गए, सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भला। सत्संग के द्वारा गुरुजी किसी के इट्स एंड बट्स क्लियर करते हैं, किसी के डाउट्स क्लियर करते हैं, किसी को मैसेज देते हैं, किसी को आंसर देते हैं या किसी को मेडिसिन देते हैं। गुरुजी कहते थे कि पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पंडितों के पास पूरा ज्ञान नहीं होता। मैं एक बार जब पहले शुरू में गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी, तब ये मेरे पास बहुत दफ़ा ये वाला मैसेज आता था गुरुजी का। तो मैं, क्योंकि हम सब इंसान है ना, कोई ऐसा नहीं होगा जो पंडित के पास नहीं गया होगा अपनी कुंडली। क्योंकि दुख जब आता है ना, तब आदमी दर दर भटकता है कि कहीं से उसको कुछ ऐसा मिल जाए कि उसको सुकून मिल जाए, चैन आ जाए। और सबसे पहले हम पंडितों के पास ही भागते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे नीलम और यहाँ पे मोती पहना हुआ था। 10 दिन 10 डेज मुझे लगातार ये मैसेज आया कि पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, नग नहीं पहनने चाहिए, अगर कभी उनकी वाइब्रेशन उल्टी पड़ गई तो आपका नुकसान होता है। भगवान से बड़ा पंडित कोई भी नहीं है और गुरुजी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। संगत को कोई बात कहनी भी नहीं पड़ती थी और गुरुजी को सब पता होता था कि संगत के दिल में क्या चल रहा है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है।
तो गुरु जी से बड़ा पंडित तो कोई है ही नहीं। अब मैं जब ये 10 डेज तक मुझे लगातार मैसेज आए तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी ये लगातार मैसेज आ रहे हैं तो आप मेरे को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं वो मैसेज देखूं फिर अपनी अंगूठियां देखूं। मैंने मन में कहा कि मैं गुरु जी को मानती हूँ लेकिन मुझे ये मैसेज आ रहे हैं तो क्या मुझे ये उतार देना चाहिए। लेकिन हाँ जी मोनिका आंटी सॉरी फॉर व्हाट, लेकिन हम पंडित तो हमें इतना डरा देते हैं। जय गुरुजी रजनी आंटी जय गुरुजी, इतना डरा देते हैं हमें पंडित लोग कि अगर आपने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, आपने ये नहीं करा पहना तो ये हो जाएगा, इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो हम सब कुछ करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए या नग वग नहीं पहनने चाहिए क्योंकि भगवान से ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब जब 10 डेज तक मैसेज मुझे आए जय गुरुजी शांति जय गुरुजी, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं क्या करूँ, ये अंगूठियाँ उतार दूँ, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है बहुत, क्योंकि मेरे को पंडित ने नीलम पहनने को बोला है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहनना, अब मैं क्या करूं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे पंडित ने मुझे डराया हुआ है लेकिन मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब आप ही देखो कि मुझे क्या करना है और आप जिस दिन चाहोगे तो मेरे ये उतरवा देना। मैंने फिर भी अपने हाथ से नहीं उतारे, ये मैंने कहना था, मुझे सत्संग का इन्विटेशन आ गया। अब जब मैं वहाँ पे गई सत्संग में, मैंने जैसे मत्था टेका, मैंने ऐसे हाथ रख के, मैं पूरा नीचे ज़मीन पे लेट के और ऐसे मैंने यूँ हाथ रखे हुए थे और मैं कर रही थी, संगत जी यकीन मानिए दोनों अंगूठियाँ मेरे वहीं गुरुजी के चरणों में उतर गई अपने आप। कोई मैंने अंगूठियाँ लूज नहीं पहनी हुई थी, या ऐसा नहीं था कि मैं अभी झुकूंगी तो अभी ये उतर जाएंगी, नहीं कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज, वो जानते थे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। शगुन सैनी वॉन्ट्स टू बी इन योर वीडियो, शगुन आंटी जय गुरु जी, मोनिका आंटी वो बोल रहे हैं कि शगुन आंटी वो ज्वाइन करना चाहती हैं ये वीडियो में। और वो दोनों अंगूठियाँ गुरु जी के चरणों में अपने आप ही निकल गई। तो उस दिन वो दोनों अंगूठियां गुरुजी ने मेरी अपने आप उतरवा दी। लेकिन जैसे पंडितों ने डराया हुआ था कि ये ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए इतना डेंजरस है, ये कुछ गुरुजी के होते हुए फिर कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं महामृत्युंजय का जाप समस्त रोगों को काट देता है। तो जितना आप अपने मुंह से खुद पाठ करेंगे या खुद अपना जाप करेंगे किसी पंडित के करने से या उससे करवा किसी दूसरे से करवाने से कुछ नहीं होता। अगर आप प्यार से भाव से 2 मिनट भी अगर खुद से जाप करेंगे तो उसका फल आपको कितने जन्मों का मिल जाएगा। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे ये बताया कि सबसे बड़ा पंडित तो मैं हूं, तू क्यों भटकती है। और गुरुजी ने अपने आप ही, यकीन मानिए उस दिन जब सारी संगत बैठी हुई थी वो सब देख के हैरान हो गए कि ये दोनों अंगूठियां कैसे उतर गई मेरी, और वो भी गुरुजी के चरणों में। फिर उस दिन के बाद मैंने कभी भी नहीं पहनी। तो गुरुजी कहते हैं कि आपका विश्वास और आपका फेथ दुनिया की कोई भी ताकत को हिला सकता है। भगवान के बस में सब कुछ होता है, भगवान हर चीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान को कौन बस में करता है, सिर्फ प्यार और भक्ति। तो गुरु जी कहते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग, सेवा डेडिकेशन भी होती है, सेवा प्यार करना भी होता है, और सेवा सेक्रीफाइस भी होता है। सिमरन हर पल जैसे भी हो किस हालात में भी हो आप अपने प्रभु का सिमरन करो।
शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। जय गुरुजी दीपाली आंटी, जय गुरुजी। वैसा हमारा मन बन जाएगा। क्यों? जब घर की लेडीज खाना बनाती हैं, अगर उनके मन में 100 टेंशनें चल रही होंगी या कोई गुस्सा होगा या कोई बात होगी, तो आप ये देखना आपके पूरे घर में वो टेंशन, सब लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे, सब लोग जो है गुस्से में होंगे। तो हमेशा कोशिश ये किया करिए, जब भी आप खाना बनाएं तो अपने भगवान का कोई भजन चलाइए, मंत्र जाप चलाइए या अपने मन में खुद करिए, ताकि जो आपके मन की वाइब्रेशंस हैं वो आप जो खाना बना रही हैं वो उसमें आ जाए, क्योंकि वो आपके सारा परिवार खाएगा और फिर वो वैसे ही सब हो जाएंगे। आप करके देखिएगा। जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी। जब आप जय गुरुजी करेंगे, ये किसी भी भगवान को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, श्री श्याम जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, उनका नाम लेके बनाइए, देखिए आपका परिवार वही नाम गुनगुनाना शुरू कर देगा। ये होता है क्योंकि नारी को, माँ को, औरत को भगवान ने अपना रूप बना के इस धरती पे भेजा है। एंड लेडीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द फैमिली। कहने को तो औरतें बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जितनी नारी को बलवान मैंने बनाया है, इस दुनिया में और कुछ भी बलवान नहीं है। तो खाना बनाते समय ऐसे अपने मन को रखिए, ऐसे भाव रखिए कि वो वाइब्रेशंस आपके खाने में जाएंगी और वही आपका जब परिवार खाएगा तो वैसे ही उनका भी मन, उनके भी भाव वैसे हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं अपने मन को सुंदर बनाओ, घर तो मैं तेरा सुंदर बना दूंगा। तो मन कैसे सुंदर बनाएंगे? वंदना दीदी, प्लीज रीड माय मैसेजेस। आप मोनिका दी ग्रुप में लाइव नहीं आए हो? ये कौन सा ग्रुप है? मेयर करो नहीं है ग्रुप? ये पता नहीं गुरु, ये कौन सा ग्रुप है फिर? ऑन तो वही किया था। पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। साक्षी आंटी प्लीज मुझे बताइए ये कौन सा ग्रुप है जिसमें लाइव हो रहा है। ओके मोनिका आंटी, ये कौन सा ग्रुप है जिसमें ये लाइव हो रहा है? अरे गुरुजी ने किस, कौन से ग्रुप में लाइव करवाया है? हाँ जी, ज्वाइन तो मैंने आप ही का करा था, लिंक आप ही का खोला था। साक्षी आंटी प्लीज मेरे को बताइए कि ये कौन सा ग्रुप है जिसमें लाइव हो रहा है? ये ग्रुप गुरुजी ने आज किस में करवाया है? हाँ गुरुजी मेहर करो तो है। मोनिका आंटी आपका ग्रुप का मेहर, गुरुजी मेहर करो ही तो है। तो ये कौन सा ग्रुप है फिर, कौन सा जिसमें लाइव आ रहा है? ओके लेकिन नाम तो यही आ रहा है, गुरुजी मेहर करो। ये कैसे हो गया, पता नहीं गुरुजी की। आपके ग्रुप का क्या नाम है फिर? आपकी जो पोस्ट थी आपने तो यही तो भेजा था। गुरुजी मेहर करो वही तो है ये ग्रुप, और कौन सा है ये ग्रुप? ओहो नीरू आंटी जय गुरुजी, बड़े मुश्किल से मिले हो आप। ये थोड़ा सा यहाँ पे इस समय कंफ्यूजन हो गया है कि पता नहीं ये कौन सा ग्रुप है। मैंने कोई और लिंक ज्वाइन कर लिया? इस ग्रुप का एडमिन कौन है?
तभी तो जब मोनिका आंटी कल आपने मेरे को बोला ना कि मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, तो मेरे पास कुछ आई नहीं मॉडरेटर की रिक्वेस्ट वगैरह। मैं आपको यही तो कह रही थी, दो ग्रुप हैं। ओके, तो अब बताइए फिर क्या करें, यही इसको रोके फिर वहां चलते हैं उस ग्रुप में। बताइए संगत जी क्या करें, गुरु जी क्या आज्ञा लें। ओ, सबको बड़े मुश्किल से मिली हूं मैं आज। अच्छा, हाँ जी। नहीं, अब क्या करें, इस ग्रुप को लीव करें, और मे फ्लावर है एंड मे रोज है, तो फिर मोनिका के ग्रुप पे चले। ओके, फिर इसको यहीं फिनिश कर देते हैं संगत जी। आई एम वेरी सॉरी, हम दूसरे ग्रुप में चलते हैं, जो लिंक सेंड हुआ था गुरु जी मेहर करो में। आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, वेरी सॉरी। पता नहीं गुरु जी की क्या आज हुक्म था, ये कैसे हो गया। हाँ जी, कोई कह रहा है कि आप इसी ग्रुप में लाइव हो, आपको दूसरे नंबर लिंक भेजा है। ओके ओके, ठीक है, मैं यहीं पे गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, और दूसरे ग्रुप में जो मोनिका आंटी का ग्रुप है, मैं सत्संग कंटिन्यू करूँ। अब मैं फिर यहाँ पे मैं इसको लीव कर रही हूँ, और फिर दूसरे ग्रुप में मिलते हैं जिसका लिंक सेंड हुआ है। सॉरी संगत जी, आपको बहुत तकलीफ हुई, भूल चूक के लिए माफ़ करना गुरु जी, सॉरी। उस दूसरे ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। जय गुरु जी।